ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, जस्ट जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसी के ऊपर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल वेव, तो यहाँ पे पूछ रहा है दैट ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, तो ये बात तो गलत है, सभी सेम फेज में नहीं वाइब्रेट करेंगे, सभी पार्टिकल्स के अंदर फेज डिफरेंस होगा ही होगा। बी पार्ट में कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल का मतलब क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के अंदर जो कि अपनी पोजीशन पे रहते हुए ऑसिलेट कर रहे हैं, उनका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, जो उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, वो सभी पार्टिकल्स का क्या है, सेम है, तो वो बात सही है, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल। ठीक, सी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल ठीक बात है, पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग, दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन सिंपल हार्मोनिकली। डी वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये बात भी ठीक है, मैकेनिकल वेव है, तभी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करके आए हैं दैट द वेलोसिटी इज बी ए बाय रो, ठीक है, इलास्टिसिटी बाय द डेंसिटी। ठीक, अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वहां पे अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है वेव वेलोसिटी मैकेनिकल वेव, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट।